एक तरह से एनडीए श्रद्धेय अटल जी की एक और विरासत है जो हमें जोड़े हुए है। एनडीए के निर्माण में आडवाणी जी ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी और वो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे प्रकाश सिंह बादल जी हों, बाला साहब ठाकरे जी हों, जॉर्ज फर्नांडिस जी हों, रामविलास पासवान जी हों, अजीत सिंह जी हों, शरद यादव जी हों, सभी ने अपनी अपनी तरह से एनडीए को मजबूती देने का काम किया। आज प्रकाश सिंह बादल जी और बाला साहब ठाकरे जी के सच्चे अनुयायी भी हमारे बीच में हैं। हाल में ही एनडीए के गठन के 25 साल पूरे हुए हैं। ये 25 वर्ष देश की प्रगति को गति देने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के रहे हैं, यानी राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास। इस मंत्र को एनडीए ने निरंतर सशक्त किया है। इस यात्रा में जो पुराने साथी रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। भविष्य की यात्रा के लिए जो नए साथी आए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, एनडीए के 25 वर्षों की इस यात्रा के साथ एक और सुखद संयोग जुड़ा है। ये वो समय है जब हमारा देश आने वाले 25 वर्षों में एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा रहा है। ये लक्ष्य विकसित भारत का है, आत्मनिर्भर भारत का है। कोटि कोटि भारतीय आज नए संकल्पों की ऊर्जा से भरे हुए हैं। इस महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए, आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, सभी का विश्वास एनडीए पर है। हमारे जो समाज शास्त्री हैं, राजनीति शास्त्री हैं और अर्थशास्त्री हैं, वो भी भारत के विकास के लिए एनडीए को एक पॉजिटिव फोर्स के रूप में देख रहे हैं। हमारा संकल्प पॉजिटिव है, एजेंडा पॉजिटिव है, भावना पॉजिटिव है और हमारा रास्ता भी पॉजिटिव है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि सरकारें बहुमत से बनती हैं, लेकिन देश सबके प्रयास से चलता है। इसलिए आज जब हम विकसित भारत के निर्माण में जुटे हैं, तब एनडीए सबका प्रयास की इस भावना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। साथियों, हमारे देश में
राजनीतिक गठबंधनों की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस ने 90 के दशक में देश में अस्थिरता लाने के लिए गठबंधनों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने सरकारें बनाई, सरकारें बिगाड़ी। इसी दौर में 1998 में एनडीए का गठन हुआ था, लेकिन एनडीए क्यों बना? क्या तब सिर्फ सरकार बनाना या सत्ता हासिल करना ही एनडीए का लक्ष्य था? आप भी जानते हैं ऐसा नहीं था। एनडीए किसी के विरोध में नहीं बना था, एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था, बल्कि एनडीए का गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। और जब देश में स्थिर सरकार होती है तो देश वो फैसले करता है जो कालजयी होते हैं, देश की दिशा बदलने वाले होते हैं। ये हमने अटल जी के कार्यकाल के दौरान भी देखा और ये पिछले 9 वर्षों में भी हम बार बार देख रहे हैं। भारत में स्थिर और मजबूत सरकार होने से आज पूरे विश्व का भारत पर भरोसा बढ़ा है। साथियों, एनडीए की एक और विशेषता रही है, जब हम विपक्ष में थे तब भी हमने हमेशा सकारात्मक राजनीति की, हमने कभी नकारात्मक राजनीति का रास्ता नहीं चुना। हमने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना हर दायित्व निभाया। हमने विपक्ष में रहकर सरकारों का विरोध किया, उनके घोटालों को सामने लाए, लेकिन कभी जनादेश का अपमान नहीं किया। हमने सरकारों का विरोध करने के लिए कभी भी विदेशी मदद नहीं मांगी। हम विपक्ष में रहे, लेकिन हमने देश के विकास में न रोड़े अटकाए और न ही रुकावट बने। आजकल हम देखते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं को विपक्ष की कई राज्य सरकारें अपने यहां लागू नहीं होने देती। अगर ये योजनाएं लागू होती भी हैं तो उन्हें रफ्तार नहीं पकड़ने दी जाती। ये लोग सोचते हैं कि अगर उनके राज्यों में गरीबों को केंद्र की योजना का लाभ मिल गया तो कैसे काम चलेगा, उनकी राजनीति कैसे चलेगी। मुझे याद है, गरीबों के घर के लिए, हर घर जल के लिए, आयुष्मान भारत योजना के लिए कितनी ही बार विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को मुझे चिट्ठियां लिखनी पड़ती है, लेकिन ये लोग गरीब के कल्याण को भी राजनीतिक नफा नुकसान से ही तोलते रहे। साथियों, जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है।